हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें आइडेंटिटीज हमने कुछ डिस्कस किया है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है। ये सवाल मैं आपको दो मैथड से सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कोसेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है। तो देयरफॉर कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया, एंड दिस विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अभी इसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर हटा दो तो साइन ही क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहां पे हमने शो कर दिया साइन ए को कॉट के टर्म्स में, साइन ए को कॉट के टर्म्स में। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेक ए। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ओके, इससे पहले टेन ए वाला निकाल लो। टेन ए वाला काफी आसान है। टेन ए यानी क्या होगा? साइन ए बाई कॉस ए। कॉट ए क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे देखो साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए, तो टेन ए है वो क्या होगा? 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये तो हमें पता ही है वैसे भी। यहाँ पे देखो टेन ए है तो 1 बाय कॉट ए रख दो। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट सामने भेज दो, सेक ए विल बी अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया मेथड वन, जिससे हम आइडेंटिटीज की मदद से कन्वर्जन कर सकते हैं साइन ए को कॉट ए में, सेक ए को कॉट में, टेन को कॉट में। ठीक है, तो जल्दी से ये कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद मेथड टू देखते हैं। चलिए तो अभी देखते हैं मेथड टू, जिसमें आपको आइडेंटिटीज की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बिना आइडेंटिटीज के भी आप शो कर सकते हो। अभी जिसके टर्म्स में हमें बनाना है उसको लेट कर लो। लेट कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज ट्राइंगल ए बी सी वेर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अभी देखो कॉट ए, तो कॉट ए क्या होगा? कॉट ए, तो दैट इज एडजेसेंट अपॉन, सॉरी ऑपोजिट। तो यहाँ पे ए से एडजेसेंट क्या होगा? ए बी। ऑपोजिट क्या होगा? बी सी। तो कॉट ए विल बी ए बी अपॉन बी सी। तो देखो कॉट ए का वैल्यू है एक्स बाय 1 ए बी अपॉन बी सी। सो देयरफॉर ए बी विल बी के एक्स एंड बी सी विल बी ओनली के, जैसा हम पहली एक्सरसाइज में सॉल्व करते थे। तो ए बी और बी सी हमारे पास आ गया है। अभी पाइथागोरस अप्लाई कर दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिर्फ के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए सी क्या बनेगा? के अंडर रूट एक्स प्लस 1।
तो हमारे पास अभी तीनों के वैल्यूज आ चुके हैं। ओके अभी देखो साइन ए चाहिए, तो साइन ए दैट इज एक्चुअली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ए से अपोजिट क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनियस क्या रहेगा, ए सी। तो बी सी यानी क्या होगा, सिर्फ के, ए सी यानी होगा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, के कैंसिल कर दो तो साइन ए बन जाएगा वन अपॉन। अभी देखो एक्स का वैल्यू क्या है, कॉट ए, कॉट स्क्वायर है प्लस वन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेक ए, तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी, एडजेसेंट क्या है, ए बी। तो ए सी यानी होगा के इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए बी यानी के एक्स, तो सेक ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर है प्लस वन अपॉन कॉट ए। तीसरा देख लेते हैं टेन ए, तो दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी क्या है, के, तो टेन ए बनेगा के अपॉन के एक्स, के से के कैंसल, तो टेन ए विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स, क्या है यहाँ पे कॉट ए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे assumptions लगाने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द assumptions, ठीक है। इसके पहले बार यहाँ पे कहीं ट्राइंगल नहीं दिया है, हमने ट्राइंगल लेके सॉल्व किया, आंसर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा एक्चुअली, बट मेथड वन इज मोर प्रिफरेबल इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। बट इस तरह से भी अगर आपको पता नहीं तो कर सकते हो। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं।